दोस्तों, चेंगीज फिल्म से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी जानकारी सामने आई है जिसे सुनकर हमारे तो होश उड़ गए हैं। तो क्या है वो अपडेट, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चेंगीज को ए फिल्म वाले डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। दोस्तों, एए वालों ने ही बाहुबली जैसी बड़ी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था। दोस्तों, चेंगीज को अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको काफी बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा। बाहुबली को जिन लोगों ने हिंदी में रिलीज किया, वो कंपनी ही चेंगीज को हिंदी में रिलीज कर रही है। आप चेंगीज को बंगाल का बाहुबली मान सकते हैं क्योंकि ये ऑफिशियल पहली पैन इंडिया फिल्म है जिसको हिंदी में रिलीज किया जा रहा है। दोस्तों, फिल्म के कंटेंट में तो हमें पोटेंशियल नजर आ रहा है और ये फिल्म जरूर कुछ बड़ा धमाका करने वाली है। सबसे खास बात ये कि प्रमोशन का खर्च मिलकर भी बजट 10 करोड़ है और फिर भी फिल्म अच्छी नजर आ रही है। फिल्म की कहानी ट्रेलर में हमें थोड़ा सा पता चल जाती है, लेकिन चेंगीज के साथ आगे क्या होगा, कैसे जयदेव एक डॉन चेंगीज बनेगा, यही पता करने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। जीत दादा ने अच्छा काम किया और उन्होंने 2 साल से इस सपने को जिया है कि ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी। दोस्तों, इसलिए वो भी सही कोशिश कर रहे हैं, हिंदी में यहाँ आकर प्रमोशन भी कर रहे हैं। फिल्म की कहानी मास एक्शन वाली है और आजकल लोगों को भी ऐसी फिल्मों में मजा आ रहा है। दोस्तों, चेंगीज के ट्रेलर ने रिलीज होते ही पूरे सोशल मीडिया पर क्रेज बना दिया है। 20 लाख लोग देख चुके और लगातार नए लोगों तक इसका हिंदी ट्रेलर पहुंच रहा है। तो इस बार चेंगीज और सलमान खान एक साथ आ रहे हैं ईद पर धूम मचाने। अब देखना होगा कि बंगाली फिल्म को हिंदी में कितने शो और स्क्रीन मिलते हैं, क्योंकि ये चीजें भी काफी जरूरी है। अगर सही तरीके से इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो ये फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है। आप लोगों को क्या लगता है, चेंगीज का लाइफ टाइम कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा होगा या नहीं, कमेंट में बताना। अब देखना रहेगा कि इस फिल्म को हिंदी में कितना सपोर्ट मिलता है।